अबे देख क्या रहे हो, जाओ मारो उसे। से कैसे बात करते हैं तेरी माँ ने सिखाया नहीं? बड़ों से कैसे बात करते हैं तेरे बाप ने नहीं सिखाया तुझे? ये कौन है? ये सीनियर कांस्टेबल है। और ये कौन है पता है? सब इंस्पेक्टर। लेकिन आज तुम मुझसे एक बात सीख कर यहाँ से जाएगा। ये हर इंसान से इज्जत से पेश आना चाहिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती? दो प्यार करने वालों को जुदा करना चाहते हो? कितने पिछड़े हो तुम। हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन आप लोग आज भी जात पात के पछड़े को लेके बैठे हैं। याद रखिए, इंसान एक होता है और उसकी जात होती है इंसानियत। अगर वही नहीं है तो हम इंसान किस नाम के? हमें डूब के मर जाना चाहिए। अब क्यों बोलती बंद हो गई? इधर आओ। मैं अभी इसी वक्त इनकी यहाँ शादी करवा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की इज्जत करता हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जाओ, मैंने कहा ना जाओ। आप भी इसके प्यार की इज्जत कीजिए और इसकी मर्जी से इसकी शादी करवाइए। अगर आप लोगों ने कुछ और प्लान किया तो ठीक है, जाइए। आइए सर, 4:30 बजे आने वाले थे, बिल्कुल 5:30 बजे आए हैं। सॉरी मेरी जान, पुलिस स्टेशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। आपसे मिलने मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आई हैं, अंदर वेट कर रही हैं। हेलो। बैठिए बैठिए, कैसी हैं आप? अच्छा, हम सब ठीक हैं। हम सब लोग IAS का फॉर्म भर रहे हैं और कल उसकी लास्ट डेट है। हमने भावना को भी भरने के लिए कहा सर, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं। सर ये भी कलेक्टर ही बनना चाहती है, लेकिन शादी होने की वजह से हम ये मना कर रही है। मुझे बताया क्यों नहीं? वो क्योंकि मैं बताती और आपको अच्छा नहीं लगता और नाराज हो जाते, तो इसीलिए। तुम IAS ऑफिसर बनना चाहती हो और तुम्हें लगा मैं इस बात का बुरा मानूंगा? तुम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगी? एप्लीकेशन कहाँ पर है? एप्लीकेशन फॉर्म उसके पास है। फॉर्म अंदर रखा हुआ है, जाओ लेकर आओ। थैंक यू स्वामी। ओके मेरी माँ। ए पगली, संभाल के। हमने सुना है आप उसे पगली बुलाते हैं। दरअसल गुस्से में या प्यार से मैं उसे पगली ही बुलाता हूँ। एक बार हमारे सामने बुलाइए ना। ए पगली सुनना। अभी आई। हे ड्राइवर, ऐसे गाड़ी के पास क्यों खड़े हो? अराइवल गेट के पास आना चाहिए था ना। सॉरी। हेलो, लगेज भी मैं ही उठाऊं। सॉरी। गाड़ी का एसी चालू रख के आराम कर रहे थे? नहीं मैडम। तो फिर इतना चिल कैसे हुआ? मैंने आपके लिए एसी ऑन रखा था। या फाइन। लेकिन ये तो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी की शादी मुझे बताए बगैर कर रही हो? ये शादी नहीं हो सकती। आपकी इसी गुंडागर्दी की वजह से मैंने आपको डिवोर्स दिया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप शादी को क्यों रोक रहे? शादी होने दीजिए, आप मेहरबानी करके वहाँ बैठ जाइए। दो कौड़ी का पुलिस वाला मुझे समझाएगा? Hey!
बेटी है ना, क्या वो किसी और की बेटी है? बता, जवाब दे, बोल। रुक जाओ, औरत हो या बुजुर्ग हो, सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए। तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया क्या? पंडित, निकल जाओ। देखो मजाक कर रहा है। निकल जाओ। सर